स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अरस एफी। अब देखते हैं दिल्ली की बड़ी खबरें। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने यह निर्णय लिया है कि वह अपने निर्माण साइट पर ही मजदूर के लिए वैक्सीनेशन केंद्र खोलेगा, जिसमें काम करने वाले मजदूरों को वैक्सीन के लिए भटकना ना पड़े और आसानी से उन्हें वैक्सीन लगाकर उनकी सुरक्षा की जा सके। मार्च के बाद हालात काफी सुधरे हैं। दिल्ली के अस्पतालों में 95% बेड खाली हैं, 1300 से कम रह गई है भर्ती मरीजों की संख्या। दिल्ली एनसीआर में इस हफ्ते तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी आसार। रविवार की सुबह दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए राहत भरी रही। मौसम की करवट बदलने के साथ हुई हल्की बारिश की वजह से लोग गर्मी की थोड़ी राहत मिली। दिल्ली के उद्योग नगर के जूते फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दिल्ली के दमकल विभाग के निदेशक अतुल गर्ग ने बताया कम से कम 5-6 लोग लापता हैं। अतुल गर्ग घटनास्थल पर रवाना हो गए हैं। आग पर काबू नहीं पाया गया है और फिलहाल दमकल विभाग की 31 गाड़ियां लगी हुई हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रविवार को ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो ब्लैक फंगस के नकली इंजेक्शन बनाकर बेच रहे थे। इनके पास से 3000 से ज्यादा नकली इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 2 डॉक्टर शामिल हैं। आगे की खबरों के लिए बने रहिए टुडे 24 न्यूज के साथ।